मुगलपुरा निवासी एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर निजी अस्पताल पर हंगामा किया। इसके बाद इस शव को ले जाकर गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर रख दिया। परिजन जमकर हंगामा करने लगे। शव को रखकर जाम लगा दिया गया। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर काफी समय तक जाम लगाया, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन भी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद सीओ कोतवाली मौके पर पहुंची और परिजनों को किसी तरह समझाकर जाम खुलवाया। परिजनों ने सीओ कोतवाली की बात मानकर शव को उठाकर ले गए। परिजनों का आरोप है कि 3 माह पहले मुगलपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में अहमद अली का ऑपरेशन कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से अहमद अली की हालत बिगड़ गई। इसके बाद उनको दिल्ली निजी अस्पताल में दिखाया गया। काफी समय से अहमद अली का उपचार किया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की शिकायत पुलिस प्रशासन और सीएमओ ऑफिस में की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारे मामू का आज इंतकाल हो गया है। हमने डॉक्टर मुदस्सिर आफ्ताब के यहाँ ऑपरेशन कराया था अपने मामे का, आज से 2.5-3 महीना पहले। डॉक्टर ने हमारे मामू का एडमिट करके ऑपरेशन करा था। ऑपरेशन में उसने हमसे कहा था कि ये दूरबीन वाला ऑपरेशन होगा और मरीज की जो हालत है वो बहुत सीरियस है, इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करा दिया। हमने रात में ही भर्ती करके रात में ऑपरेशन कराया अपने मामा का। हमारा उससे ये बात हुई थी कि हमारा ये वो करेगा, दूरबीन वाला ऑपरेशन करेगा। इसने अंदर ले आने के बाद 3 घंटे में ऑपरेशन थिएटर में से निकाला। भले से पित्ते का ऑपरेशन आधा घंटा 20-25 मिनट में हो जाता है, निकालने के बाद इसने अंदर से लेके आया तो अंदर की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। हमने डॉक्टर साहब क्या हो गया कोई बात, बोले इनका खुला ऑपरेशन हुआ है, ओपन ऑपरेशन हुआ है और पेट पे 4-5 कट लगे हुए थे। इसने दूरबीन वाला ऑपरेशन भी करा और उसके बाद कट वाला ऑपरेशन भी करा है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है मुदस्सिर आफ्ताब। आपको क्या शक है? उसने हमारे मामा की एक आँख काटी और क्या कहते हैं उसमें लीवर में कट लगा है, जिससे मामा की बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी। लगातार पस आ रहा था, पस नहीं रुक रहा था, इसकी वजह से हम उन्हें दिल्ली लेके भागे थे। दिल्ली में इनका दोबारा ऑपरेशन हुआ, वहाँ कट हुआ, सब हुआ। हमने डॉक्टर के खिलाफ हर जगह कंप्लेन करी, SSP ऑफिस करी, CMO ऑफिस करी, हर जगह करी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। और अस्पताल गए, डॉक्टर के यहाँ उसके घर जाते हैं तो उसकी माँ कह देती है अभी है नहीं, बाहर गया हुआ है, यहाँ गया है, वहाँ गया। और वो डॉक्टर हर जगह घूम रहा है, शेर बना हुआ, आराम से घूम रहा है। पुलिस ने कुछ नहीं करा, CMO ने कुछ नहीं करा। हम थक गए कचहरी के, हर जगह के चक्कर काटते काटते थक गए, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग कुछ चाहते हैं कि अब इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन सा हॉस्पिटल है ये? हॉस्पिटल शालीमार हॉस्पिटल, लाखड़ी वालान, कोयल वाली मस्जिद। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ था 3 महीने पहले। ये धरना चल रहा है, कब तक चलेगा ये? जब तक डॉक्टर मुदस्सिर आफ्ताब पकड़ा नहीं जाएगा, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि वो अब भी घूम रहा है, फरार है, भाग गया है। तो कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ आप देख सकते हैं अच्छे खासे तादाद में कई लोग हैं। और आज ये जितने भी लोग हैं मेरे भाई यहाँ से नहीं जाने वाले। अगर इस आदमी को समझते हैं, इसके दिल की मोहब्बत समझते हैं तो आज ये नहीं जाएंगे, वरना ये हादसा आगे भी किसी के साथ होगा। मुदस्सिर आफ्ताब आगे भी किसी और को शिकार बनाएगा।